नेक्स्ट जो अपन कर रहे हैं वो कर रहे हैं रिकर्जन। रिकर्जन का यूज करके नंबर का फैक्टोरियल निकाल। तो अपन इसको समझेंगे, मैंने मेन से कॉल किया फैक्टोरियल ऑफ 4, तो ये 4 किसमें आएगा? एन में। मैंने चेक किया अगर एन में 0 है तो ये रिटर्न 1 कर, और अदरवाइज रिटर्न एन इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस 1। मतलब ये अपने आप को ही वापस क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस 1 के साथ। तो जब फंक्शन खुद को ही कॉल करता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, रिकर्जन। रिकर्जन के केस में एक कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जब फंक्शन अपने आप को कॉल करना बंद कर दे। वो कंडीशन यहाँ पे क्या है कि जैसे ही एन में 0 होगा वैसे ही ये अपने आप को कॉल नहीं करेगा, ये रिटर्न 1 करेगा। तो मैंने इसको फैक्टोरियल ऑफ 4 के साथ में कॉल किया, ये अपने आप को एन माइनस 1, मतलब अगली बार ये फैक्टोरियल ऑफ 3 कॉल होगा, फिर 2, फिर 1, फिर 0। जैसे ही ये फैक्टोरियल ऑफ 0 कॉल होगा ये अपने आप को कॉल करना बंद कर देगा। तो इसमें आपको एक ऐसी कंडीशन देनी पड़ती है कि कब फंक्शन अपने आप को कॉल करना बंद करे। अगर वो कंडीशन अपन ने नहीं दी तो ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा। ये इसका डायग्राम है। मैंने यहां पे लिखा, सबसे पहले मेन, ये जो आप देख रहे हो नीचे नीचे, ये क्या है, मेन। मेन में से मैंने कॉल किया फैक्टोरियल ऑफ 4, ये फैक्टोरियल ऑफ 4। अभी एन की वैल्यू क्या होगी, 4, जो अपना फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है उसकी वैल्यू 4। फिर वो फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस 1 कॉल होगा तो मतलब फैक्टोरियल ऑफ 3 कॉल, फैक्टोरियल ऑफ 3 से कॉल होगा फैक्टोरियल ऑफ 2, फिर 2 से कॉल होगा 1, फिर 1 से कॉल होगा 0। जब ये फैक्टोरियल ऑफ 0 कॉल होगा तो एन की वैल्यू 0 है तो ये अपने आप को कॉल करना बंद कर देगा, और ये क्या रिटर्न करेगा, 1, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है जैसे ही एन की वैल्यू 0 हो जाए तो ये 1 रिटर्न। अब जब एन की वैल्यू 1 होगी तो मैंने लिखा है रिटर्न एन इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस 1। अभी एन की वैल्यू है 1, फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस 1 मतलब फैक्टोरियल ऑफ 0, फैक्टोरियल ऑफ 0 क्या है, 1, तो ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0 मतलब रिटर्न 1 इंटू 1 मतलब रिटर्न 1। ये 1 यहां पे आ गया, ये 1 यहां से यहां, तो क्या रिटर्न हुआ, पहले तो यहां से यहां 1 रिटर्न हुआ, फिर नीचे भी 1 रिटर्न हुआ। अब जब n की वैल्यू 2 होगी तो ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, n का मतलब 2 और फैक्टोरियल ऑफ 2 माइनस 1 मतलब 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1 मतलब 2 इंटू 1 मतलब क्या रिटर्न करेगा, ये 2। तो ये यहां से यहां 2 रिटर्न करेगा। जब n की वैल्यू 3 होगी तो रिटर्न n मतलब 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 मतलब फैक्टोरियल ऑफ 2, तो 3 इंटू 2 ये क्या रिटर्न करेगा, 6। तो ये यहां से यहां रिटर्न करेगा 6। फिर जब n की वैल्यू 4 होगी तो ये रिटर्न करेगा n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 मतलब 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3, 3 का फैक्टोरियल 6 है तो 4 इंटू 6 ये क्या रिटर्न करेगा, 24, कहाँ पे, मेन। नेक्स्ट जो मैंने आप लोगों को बताया था कि अपन एप्लेट के अंदर से फ्रेम को यूज कर सकते हैं, मतलब फ्रेम विंडो को डिस्प्ले कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा एप्लेट व्यूअर एप्लेट फ्रेम 1.java। इससे एक विंडो ओपन होगी, उस विंडो के अंदर एक शो बटन आएगा, ये शो बटन है, ये एप्लेट विंडो है, एप्लेट में एक शो बटन। शो बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो एक फ्रेम विंडो ओपन होगी,
उस फ्रेम विंडो के अंदर रोल नंबर और एक टेक्स्ट बॉक्स और एक एग्जिट बटन। तो एप्लेट में शो बटन पे क्लिक करने पे ये विंडो ओपन हुई है। तो एप्लेट के अंदर से इस तरीके से अपन फ्रेम विंडो को ओपन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे java.awt, awt.event और applet तीन packages दिए। Class myvin extends frame, implements action listener. myvin class मैंने बनाई जिसकी parent class है frame. वैसे तो अपन jframe लिखते थे अभी तक, अपन frame से भी बना सकते हैं। frame जो होती है वो किसमें होती है? awt package। Java के पुराने versions में frame class को ही extend करते थे, तो frame class को भी extend कर सकते हैं। और ऐसे जावा के पुराने वर्जन में जे लेबल, जे टेक्स्ट फील्ड, जे बटन की जगह लेबल टेक्स्ट फील्ड बटन क्लासेस होती थी, तो उनको भी अपन यूज कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपके ए डब्ल्यू टी पे क्वेश्चन आ जाता है इनकेस, तो ये वाला प्रोग्राम आप समझा सकते हो कि ए डब्ल्यू टी का यूज करके भी विंडो बनती है। फिर मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या लिखा, टाइटल सेट किया, लेआउट सेट किया, साइज सेट किया, कॉम्पोनेंट्स को मेमोरी अलोकेट करी जैसे कि अपन अभी तक करते थे, और फिर उसके बाद में मैंने उन कंपोनेंट्स को ऐड कर दिया फ्रेम पे। बटन पे क्लिक करने पे कुछ वर्क होना चाहिए, तो बटन के साथ में एक्शन लिसनर ऐड किया पे मैंने एक्शन परफॉर्म में कोडिंग लिखी डिस्पोज। अब यहाँ पे एक ही बटन है तो आपको गेट सोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस बटन पे क्लिक करने पे ही ये फंक्शन कॉल होगा। ये तो हो गई फ्रेम विंडो। उसी प्रोग्राम में मैंने नीचे क्लास बनाई, पब्लिक क्लास एप्लेट फ्रेम वन एक्सटेंड्स एप्लेट इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिस्टनर। इसमें मैंने एक बटन डिक्लेयर किया btn show। एप्लेट के इनिट में मैंने शो बटन को मेमोरी अलोकेट करी और इसको ऐड किया, और शो बटन के साथ में एक्शन लिस्टनर ऐड किया। इसमें मैंने लेआउट सेट नहीं किया है। एप्लेट की पेरेंट क्लास होती है पैनल। पैनल का लेआउट बाय डिफॉल्ट फ्लो लेआउट होता है, तो आपको उसको सेट करने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने एक्शन परफॉर्म्ड में मुझे क्या करना है, विंडो को ओपन करना है, तो मैंने myvin क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया क्यू इक्वल टू न्यू myvin। इससे जो मैंने ऊपर myvin क्लास बनाई है जिसकी पेरेंट क्लास फ्रेम है, वो myvin क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा और फ्रेम विंडो डिस्प्ले हो जाएगी एप्लेट में शो बटन पे क्लिक करते ही। नेक्स्ट अपन आ जाएं मार्कर इंटरफेस। मार्कर इंटरफेस क्या होता है? ऐसा इंटरफेस जिसमें ना तो कोई मेथड होता है ना कोई कांस्टेंट होता है, मतलब कुछ भी नहीं होता, खाली इंटरफेस। इसको अपन एम्प्टी इंटरफेस भी कहते हैं या टैग इंटरफेस भी कहते हैं। इस पे आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये इंटरफेस कहाँ काम में आता है? ये JVM को और कंपाइलर को कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है सीरियलाइजेबल इंटरफेस और क्लोनेबल इंटरफेस। इन दोनों इंटरफेसेस में कोई भी मेथड्स नहीं होते हैं। अब ये यूज कहाँ आता है वो अपन देखें। सीरियलाइजेबल इंटरफेस आपके सिलेबस में है। सीरियलाइजेबल इंटरफेस एक मार्कर इंटरफेस है जो java.io पैकेज के अंदर होता है। अगर अपन चाहते हैं कि अपन किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज कर सकें तो उसके लिए, सीरियलाइज करना मतलब उस ऑब्जेक्ट को मुझे किसी फाइल में स्टोर करना हो। सीरियलाइजेशन सबसे सिंपल, कन्वर्टिंग एन ऑब्जेक्ट इनटू बाइट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना और उसको अपन किसी फाइल या डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। और डीसीरियलाइजेशन मतलब उस फाइल या डेटाबेस में से डेटा रीड करके उसको ऑब्जेक्ट में स्टोर करना, तो इसको अपन कहते हैं सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन। अब अगर अपन चाहते हैं कि अपन अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट को डेटाबेस या फाइल में स्टोर कर सकें, तो उसके लिए अपने को सीरियलाइजेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट करना होता है। सीरियलाइजेबल इंटरफेस एक मार्कर इंटरफेस है। इसके अंदर कोई भी मेथड्स नहीं होते हैं।
सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के बाद में ने को दो क्लासेस काम में आती हैं, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, तो सीरियलाइजेशन के लिए, और डी सीरियलाइजेशन के लिए ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम। हाँ, तो अब अपन समझे सीरियलाइजेबल इंटरफेस। सीरियलाइजेबल इंटरफेस अपने को इम्प्लीमेंट करना है तो मैंने लिखा क्लास म्यूजिक इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल। म्यूजिक क्लास के अंदर मैंने सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया। सीरियलाइजेबल इंटरफेस एक मार्कर इंटरफेस है, इसके अंदर कोई भी मेथड नहीं होता है। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट को फाइल या डेटाबेस में स्टोर कर सको, तो उसके लिए आपको सीरियलाइजेबल इंटरफेस इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, जो कि java.io पैकेज के अंदर होता है। इससे कंपाइलर को ये पता लग जाता है, कंपाइलर और JVM को अपन इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि म्यूजिक क्लास के ऑब्जेक्ट को फाइल में स्टोर किया जा सकता है। मैंने म्यूजिक क्लास में एल्बम और सिंगर ऑब्जेक्ट्स दो स्ट्रिंग क्लास के वेरिएबल डिक्लेयर किए, दो डेटा मेंबर। अब म्यूजिक क्लास के अंदर मैंने बनाया एक कंस्ट्रक्टर जिसके दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो एल्बम नेम और सिंगर का नेम आएगा और डिस्प्ले। अब मेन इसमें जो समझना है वो ये है, मेन के अंदर पब्लिक क्लास के अंदर मैंने मेन बनाया, मेन के अंदर मैंने फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया fbcajava m1.xyz, ये मैंने फाइल दी। इस फाइल के अंदर मैं ऑब्जेक्ट को स्टोर करूंगा, और फिर मैंने ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और इसको मैंने f पास कर दिया, मतलब ये इस वाली फाइल के अंदर डेटा स्टोर करेगा। फिर मैंने म्यूजिक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें मैंने एल्बम का नेम और सिंगर का नेम दिया, और फिर मैंने लिखा ostr.writeObject। तो राइट ऑब्जेक्ट का यूज करके अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को राइट कर सकते हैं। कहाँ? ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम का मेथड है ये, और कौन से ऑब्जेक्ट को राइट करना है वो अपने को आर्ग्यूमेंट में देना पड़ेगा। तो मैंने m ऑब्जेक्ट को फाइल के अंदर राइट कर दिया, कौन सी फाइल में, जो मैंने यहाँ दी हुई है उसमें। अब ये तभी पॉसिबल है जब म्यूजिक क्लास ने सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ हो। फिर मैंने म्यूजिक क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाया m1 और ostr.writeObject m1। तो अब मैंने दो ऑब्जेक्ट्स राइट कर दिए, एक m और दूसरा m1। फिर ostr को मैंने क्लोज कर दिया। ostr किस टाइप का वेरिएबल है? ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम क्लास का। ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम क्लास किसमें है? java.io पैकेज के अंदर। नाम से समझ में आ रहा है, इसका यूज करके अपन ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रीम में राइट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को रन करने पे ये ऑब्जेक्ट्स फाइल में स्टोर हो जाएंगे, कोई मैसेज नहीं आएगा आपके पास। अगर कोई एरर होगा तो एक्सेप्शन प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो डेटा फाइल में राइट हो जाएगा। ये जो प्रोग्राम किया ये तो है सीरियलाइजेशन, मैंने ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम में राइट किया, स्ट्रीम से रिलेटेड फाइल में। अगर मैं सीरियलाइजेबल इंटरफेस इम्प्लीमेंट नहीं करूं म्यूजिक क्लास में, और फिर भी मैं ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम का यूज करके उसको राइट करने की कोशिश करूंगा, तो आएगा नॉट सीरियलाइजेबल एक्सेप्शन, java.io.notSerializableException। ऑब्जेक्ट को अपन ने पिछले प्रोग्राम में सीरियलाइज किया, जब भी मुझे रिक्वायरमेंट है तो ऑब्जेक्ट को मैं फाइल से रीड कर सकता हूँ, उसको अपन कहते हैं ऑब्जेक्ट deserialization, deserialize करना। उसके लिए मैंने म्यूजिक क्लास तो पिछले प्रोग्राम वाली ही ली है, और अब मैंने यहाँ फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और वही फाइल पास करी जो पहले दी थी। और ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है INS, उसको ये फाइल पास करी, फाइल इनपुट स्ट्रीम पास करा। अब INS का यूज करके मैं ऑब्जेक्ट को फाइल में से रीड कर सकता हूँ, तो INS.readObject ये फाइल में से
ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम में से ऑब्जेक्ट रीड करेगा, इसका रिटर्न टाइप होता है ऑब्जेक्ट। जबकि मुझे इसको म्यूजिक टाइप के वेरिएबल में स्टोर करना है तो मैं इसको म्यूजिक में टाइप कास्ट करके एम में असाइन करूंगा। फिर मैं एम डॉट डिस्प्ले लिखूंगा, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो अपन ने पिछले प्रोग्राम में राइट किया था उसका एल्बम का टाइटल और सिंगर डिस्प्ले होगा। फिर मैंने वापस आई एन एस डॉट रीड ऑब्जेक्ट दिया, तो फाइल में से सेकेंड ऑब्जेक्ट रीड होके एम वन में असाइन हो जाएगा और फिर अपन ने उसको डिस्प्ले कर लिया। तो यहाँ पे काम में आती है डी सीरियलाइजेशन में ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम क्लास और उसका रीड ऑब्जेक्ट मेथड। रीड ऑब्जेक्ट मेथड का रिटर्न टाइप होता है ऑब्जेक्ट, तो आपको इसको डिजायर्ड क्लास में टाइप कास्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट है यूनिकोड डेटा को डिस्प्ले कैसे करते हैं यूजिंग यूनिकोड डेटा। जैसा कि अभी आपको यहां दिख रहा होगा ये कैरेक्टर्स आ रहे हैं 1/2, ये सिंगल कैरेक्टर है, 3/4 ये रजिस्टर्ड का कॉपीराइट का प्लस माइनस का सिंगल कैरेक्टर, ये 5 कैरेक्टर है। अब ये कैरेक्टर्स कीबोर्ड पे तो आपको दिखते नहीं है, अब ये अगर मुझे डिस्प्ले करने हो या यूज करने हो तो कैसे करेंगे। मैंने एक क्लास बनाई पब्लिक क्लास यूनिकोड्स एक्सटेंड्स फ्रेम, मेन के अंदर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने पे ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जैसा कि अभी तक अपन ने किया है बिल्कुल वैसा ही। इसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने फ्रेम का साइज सेट किया, बैकग्राउंड सेट किया, फ्रेम को विजिबल किया। जैसे ही फ्रेम विजिबल होगा पेंट मेथड कॉल होगा, पेंट में मैंने ग्राफिक्स का कलर सेट किया। फिर जो नई चीज है वो इसमें ये है, मैंने कैरेक्टर एरे बनाई, उसमें मैंने यूनिकोड असाइन किए कैरेक्टर्स के, बैक स्लैश यू, यू लोअर केस होगा, उसके बाद जो भी यूनिकोड है उसका 00BD 00BE 00AE 00A9 00B1 ये मैंने कैरेक्टर एरे में स्टोर किए। फिर मैंने क्या किया, ग्राफिक्स का फॉन्ट सेट किया और मैंने इस कैरेक्टर एरे को यूज करके एक स्ट्रिंग असाइन में असाइन किया, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ CH। तो ये जो कैरेक्टर एरे है इसके सारे कैरेक्टर्स कंबाइन होके एक स्ट्रिंग बनेगी, वो W में स्टोर हो जाएगी और W को मैंने फ्रेम पे डिस्प्ले कर दिया। इसमें आपको एक्सटेंड्स फ्रेम ही करना है, एक्सटेंड्स जे फ्रेम में इसको डिस्प्ले करने का तरीका अलग होता है, या तो आप एक्सटेंड्स फ्रेम के साथ इसको चलाओगे या एक्सटेंड्स एप्लेट के साथ चलाओगे इस मेथड को। जो मैंने लिखे हैं U00BD, BD का कैरेक्टर होता है 1/2, BE का होता है 3/4। अब ये अपन कैसे देखते हैं मैं आपको बताता हूँ, का यूनिकोड देखना हो तो कैसे देखेंगे। ये सामने आ रहा है कैरेक्टर मैप, कैरेक्टर मैप मेरे हिसाब से सबको ओपन करना आता होगा, नहीं आता है तो स्टार्ट में रन में आप लिखो कैर मैप, स्टार्ट में रन वहां पे लिखो कैर मैप और एंटर प्रेस कर दो, कैर मैप विदाउट स्पेस, तो कैरेक्टर मैप ओपन हो जाएगा। ये कैरेक्टर मैप है, इसमें जिस भी कैरेक्टर में मैं क्लिक करूंगा ये प्लस माइनस है, इस पे मैंने क्लिक किया तो इसका यूनिकोड नीचे डिस्प्ले होगा यहाँ U+00B1। जो भी कैरेक्टर, जिस भी कैरेक्टर पे मैंने क्लिक किया उसका यूनिकोड ये 1/2, इसका यूनिकोड नीचे यहाँ डिस्प्ले हो रहा है U+00BD। तो यहां से अपन देख सकते हैं किसी भी कैरेक्टर का यूनिकोड क्या है। जैसे ये इन्वर्टेड क्वेश्चन मार्क है, ये कीबोर्ड पे नहीं होता है, इसका देखना हो तो वही इस पे क्लिक करो तो नीचे इसका यूनिकोड आएगा।